गर्भधारण में आ रही मुश्किलों और संतानहीनता की समस्या से निजात के लिए IUI और IVF काफ़ी कारगर समाधान है। इसमें भी IUI यानी इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन तकनीक उनके लिए तो वरदान की तरह है जो अमीर नहीं हैं और संतान प्राप्ति के लिए IVF जैसी महंगी तकनीक का सहारा लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि IUI तकनीक न सिर्फ सहज और सरल है बल्कि IVF की तुलना में काफ़ी सस्ती भी है। ये बातें गायनोलॉजिस्ट और बक्सर के श्रेया इनफर्टिलिटी सेंटर की संचालिका डॉक्टर आराधना मिश्रा ने बताई। गौरतलब है कि रविवार 20 नवंबर को बक्सर के सिंडिकेट स्थित श्रेया इनफर्टिलिटी सेंटर में संतानहीनता की समस्या से जूझ रहे लोगों को उचित सलाह देने तथा IUI और IVF के बारे में बताने के लिए एक निःशुल्क परामर्श कैंप लगाया गया था। ये कैंप हमने इसलिए लगाया है कि जो भी यहाँ इंटीरियर्स के दंपति हैं जिन्हें बच्चा नहीं है, वो समय निकाल के या किसी भी कारण से बाहर नहीं जा पाते हैं, पटना हुआ, बनारस हुआ या जहाँ भी IVF सेंटर है, इनफर्टिलिटी सेंटर है, नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ आए और मिनिमम से मिनिमम खर्च में उनको लाभान्वित हम करा पाए। इसी के लिए आज फ्री कैंप है, बिना किसी चार्ज का। उनको मैं ये समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि क्या है ये, आप कैसे करोगे, बच्चे के लिए परेशान हो तो आप यहाँ आओ, मैं उसमें अपना योगदान दूंगी आपको। ये बक्सर के श्रेया इनफर्टिलिटी सेंटर में आयोजित यह कैंप डॉक्टर आराधना मिश्रा की देखरेख में बनारस के भोजूबीर स्थित इंटरनेशनल प्राइड IVF रिसर्च टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की ओर से लगाया गया था। इस फ्री परामर्श कैंप में बनारस से आए डॉक्टर आशीष और डॉक्टर शालिनी ने भी हिस्सा लिया और कैंप में आए लोगों की समस्याओं और सवालों का उचित जवाब और वाजिब सलाह दिया। बक्सर शहर और आसपास के गांवों से कई दंपत्ति इस फ्री कैंप में शामिल हुए और अपनी समस्या तथा सवालों को डॉक्टरों की टीम से साझा किया। मौके पर मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मिश्रा ने अपने सेंटर में आयोजित इस फ्री कैंप के बारे में तो बताया ही, IUI और IVF तकनीक के बारे में भी सार्थक जानकारी साझा की। इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन मतलब पति के बीज को औरत के गर्भाशय में फॉलिपियन ट्यूब तक पहुंचाना, जिसे कि IUI कहते हैं, और IVF जो टेस्ट ट्यूब है आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर कैंप किसका लगा है? यहाँ दोनों काम होगा। जो 30 से नीचे उम्र वाले हैं औरतें, स्त्री जो भी हैं 30 से कम उम्र के, उनका IUI होगा, और जो 30 प्लस की हैं उन लोगों को IVF होगा। और कास्ट क्या है दोनों के, मतलब क्या? IUI का कास्ट लगभग 15 से 20 आता है टोटल खर्च एक महीने का, जिसमें मेडिसिन, वैक्सीनेशन सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। और IVF का खर्च ऐसे तो सभी जानते हैं कि 1.5-2 लाख है, बट हमारे यहाँ 90,000 है। अभी जो ये कैंप लगा है, इसका क्या रिस्पांस है लोगों में, क्या रिस्पांस, पेशेंट कितने आए? अभी तक तो हमारे पास लगभग 20 से 25 पेशेंट आ चुके हैं 11 बजे से अभी तक। अभी मैं देख रहा था बाहर भीड़ भी बहुत है, अभी लोग हैं। तो अभी और भी उम्मीद है कि 4 बजे तक लोग आएंगे, काफी दूर से सभी लोग आ रहे हैं। अभी यहाँ पे जो फोटो लगी है, ये हमारे द्वारा IUI जिसका भी मैंने किया आज, ये काम मैं आज से 15 साल पहले से मैं कर रही हूँ। आपके बक्सर में मैं अभी 2.5 साल से आई हूँ, इसके पहले मैं बलिया में थी। मेरे द्वारा जितने बच्चे सफल हुए हैं IUI द्वारा, बलिया और बक्सर दोनों मिला, दोनों मिला करके जी। बक्सर से कितने हुए हैं? बक्सर में अभी मैंने 2 साल में 18 को किया, जिसमें 14 सक्सेस हुआ। जिस तरह से इस फ्री कैंप में बक्सर और आसपास के अलावा
दूर दराज से आए कई दंपतियों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं साझा की। उससे साफ है कि IUI और IVF जैसी तकनीकें धीरे धीरे आम लोगों के बीच भी प्रचलित और स्वीकार्य होती जा रही है। डॉक्टर आराधना मिश्रा समेत इस कैंप के आयोजन से जुड़े सभी लोग इस बात से काफी खुश और संतुष्ट नजर आए।